नमस्कार, कैसे हो बेटा आप लोग? आवाज आ रही है प्रॉपर रूप से आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ भाई, देखो आप लोग जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, जो जिनके रिजल्ट आ गए हैं, वो अपनी एक तो प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर तैयारी शुरू कर दें, और उन सभी स्टूडेंट्स को जो फोर्थ ईयर में पास हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम लोग स्पेशल डाउट सेशंस क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, कई बार टेक्निकल जो एरर्स आ जाते हैं, वजह होती है, उनकी वजह से क्लासेस हो नहीं पाती है। कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको जो कहा है कि भाई आप लोग की जो क्लासेज हैं वीक में दो, तो जो भी शेड्यूल होगा उस पर आप लोगों को मिल रही है, क्लासेज आप लोगों की अच्छी चल रही है। तो देखो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि अपने एक तो फ्रेंड्स वगैरह को बता दो कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है, और क्लास के अंदर जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कुछ स्पेशल डाउट सेशंस। अब डाउट सेशंस तो खैर अभी ये नहीं है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेज ही हो रही हैं। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को जो आज कराने वाला हूं वो हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल टॉपिक है जिसे कि हम लोग ट्रैकियोस्टॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ट्रैकियोस्टॉमी के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई जो हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं ट्रैकियोस्टॉमी के बारे में। किसके बारे में बेटा? ट्रैकियोस्टॉमी के बारे में। आगे क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स? हाँ महेंद्र, ममता, गुड इवनिंग महेंद्र। अनीता, ठीक है बेटा। ममता, सागर, रश्मि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ मंडे की क्लास हो रही है, आज ही हो रही है बेटा। चलो तो देखिएगा, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बात करना चाहेंगे ट्रैकियोस्टॉमी के बारे में। किसके बारे में? ट्रैकियोस्टॉमी। सुना है आप लोगों ने ट्रैकियोस्टॉमी के बारे में? देखो ये ट्रैकियोस्टॉमी जो है, एक तो मुझे बताओ आप लोगों को जो साउंड आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, वो एकदम क्लियर है क्या बेटा? महेंद्र, ममता, बताओ बेटा आवाज जो आ रही है वो एकदम क्लियर है, साफ है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो रहा है आप लोगों को? हाँ बताओ बेटा, साउंड एकदम क्लियर है क्या? बोलो। प्रियंका, गुड इवनिंग। मैं पूछ रहा हूं साउंड क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर आ रही है, विजुलाइजेशन प्रॉपर है? हाँ हाँ सर क्लियर है, ठीक है। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं सर। यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी सेवाओं में ही लगा हुआ हूं भाई। जो और टीचर्स वगैरह या और जो साथी लोग क्लास ले रहे हैं, उन लोगों की व्यवस्था करने में और बहुत से काम करने में मैं भी लगा हुआ हूँ यार। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर्स वगैरह और जो प्रिपरेशन है वो लोग कर रहे हैं। एक बार आप नॉर्थ सेट या डेट थोड़ी सी अनाउंस हो लेने दो। अभी तो क्या आप कई दिन से चल रहे हैं, जोश थोड़ा थोड़ा आप लोगों का भी ठंडा हो रहा है, हमारा भी ठंडा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप लोगों की प्रॉपर रूप से डेट अनाउंस हो जाए, फिर उसके बाद देखना आप लोगों को और मजा आने लगेगा कि जो एक क्लास की जगह दो क्लास, तीन क्लास आपको पर डे हम लोग करवाने लगेंगे। तो अभी तो आप इनिशियल, ये मान लो ट्रेलर चल रहा है, धीरे 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 करके फिर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वीक में दो, वीक में आपको 15 लाइव क्लासेस मिलने लगेगी। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना करें, हमें पता है क्या क्या आप लोगों को करवाना है। जितना हम लोग आपको सिलेक्शन करवाने के लिए मेहनत करेंगे, उतना ही हमें पता है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार जो आप लोगों को कोर्स है वो थोड़ा सा एक बार लाइन पर आ जाए, क्लासेज जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो आप लोगों को प्रॉपर अपलोड वगैरह हो जाए, उसके अंदर हम लोग लग रहे हैं कि जितनी जल्दी आप लोगों का कोर्स अपलोडिंग होगा उतनी ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। चलो प्रियांतम, गुड इवनिंग बेटा। देखिए आज हम लोग जो बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं, एक स्पेसिफाइड टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और यहां से बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के अंतर्गत। देखिए बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुने कि भाई, हाँ टेलर है ये तो सागर। चलो अब मेरी बात सुनना कि भाई ये जो हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग ट्रैकियोस्टॉमी बोलते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रैकिया और ऑस्टोमी दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है।
जनरली ट्रैक किया, और ट्रैक किया को क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से ओपन कर रहे हैं, और यही प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा, ट्रैकियोस्टॉमी कहलाता है। ऑस्टॉमी आर्टिफिशियल ओपनिंग, और किसकी आर्टिफिशियल ओपनिंग बेटा, ट्रैकिया। तो सीधा सीधा आप एक तो ये समझ लीजिएगा कि आर्टिफिशियल क्या कर रहे हैं बेटा, ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग ऑफ दी ट्रैकिया, कि ट्रैकिया को आर्टिफिशियल तरीके से ओपन किया जा रहा है, कहां से, थ्रू एंटीरियर नेक, भाई जो नेक के एंटीरियर साइड वाला एरिया है वहां से ट्रैकिया को हम लोग ओपन करते हैं, और यही बेटा आपका प्रोसीजर क्या कहलाता है, ट्रैकियोस्टॉमी कहलाता है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ट्रैकियोस्टॉमी हो गया, इंट्यूबेशन हो गया, ईटी ट्यूब हो गया है, कोलोस्टॉमी हो गया है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रोसीजर है जिनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, और स्पेशलाइज व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नॉर्सेट एग्जामिनेशन। तो बेटा ध्यान से सुनिए, गुड इवनिंग महिपाल, गुड इवनिंग बेटा। अब सुनना कि ट्रैकिया, जैसा मैंने कहा कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, ट्रैकिया और ऑस्टोमी। जब हम कहते हैं ऑस्टोमी, सब जानते हो आर्टिफिशियली ओपन कर रहे हैं किसको, ट्रैकिया। तो हमने प्रॉपर रूप से डेफिनेशन के बारे में कहा कि आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया थ्रू द एंटीरियर नेक, ये जो गर्दन में या सामने से हम लोग क्या है, ट्रैकिया को आर्टिफिशियल तरीके से ओपन करते हैं, और यही प्रोसीजर क्या कहला रहा है, ट्रैकियोस्टॉमी कहला रहा है। आप लोगों ने पेशेंट को लगे हुए देखा होगा, फिर भी मैं एक इमेज है जो पहले आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर आगे टॉपिक शुरू करूंगा। देखिएगा ध्यान से सुने, या आप देख रहे हो कि पेशेंट जो है उसके अंदर आपको यहां से दिखाया गया है कि भाई स्पेशलाइज जो है यहां पर जो है होल किया जाता है ट्रैकिया में, और इसके बाद आप देखते हैं, ध्यान देना कि यहां पर आप देखते हैं कि ये जो ट्यूब सी होती है इसको जनरली इंसर्ट किया जाता है, और इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां पर जो है ये ट्यूब जो होती है ये अंदर तक जा रही है और ट्रैकिया के अंदर जा रही है बेसिकली, और ये जो है बाहर इसका एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू एयरवे को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है प्रॉपर। में इसका एक एक्चुअल जो ओरिजिनल प्रोसीजर है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि हम लोगों ने खुद ने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, जहां पर पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल एसएमएस का है, जो मैंने वहां पर खुद शूट किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आर्टिकल्स पर हम डिस्कशन करेंगे, पहले एक बार बेसिक जो चीज है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। अब बेटा देखो ध्यान से सुनना कि भाई ट्रैकियोस्टॉमी हमने कह दिया आर्टिफिशियल तरीके से ट्रैकिया को क्या कर रहे हो बेटा, ओपन कर रहे हो। अब ये जो ट्रैकिया को आर्टिफिशियल तरीके से ओपन करने की जरूरत है, ये क्यों पड़ रही है, क्या इसका बेसिक पर्पज है, क्या एडवांटेज है, तो देखो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना कि ट्रैकियोस्टॉमी हम लोग जो कर रहे हैं, इस ट्रैकियोस्टॉमी को परफॉर्म करने का बेसिक एम और बेसिक उद्देश्य क्या है, भाई क्या पर्पस है। तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि मेंटेन दी एयरवे, एयरवे अगर हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो ट्रैकियोस्टॉमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। एयरवे मेंटेन करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशलाइज इमरजेंसी कंडीशन में हमें अगर एयरवे मेंटेन करना है तो ट्रैकियोस्टॉमी, लॉन्ग टाइम में अगर हमें एयरवे मेंटेन करना है तो ट्रैकियोस्टॉमी, या आप देखना हेड नेक या हेड ओरल या कोई भी अपर साइड की सर्जरी हम करते हैं तो भी ट्रैकिया को ओपन करना पड़ेगा, या कोई भी फॉरेन बॉडी अपर एयरवे में आ गई है तो ट्रैकिया को ओपन करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप एक तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि जो ट्रैकियोस्टॉमी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण पर्पस या इंपॉर्टेंट पर्पस बेटा आपने बताना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है मेंटेन द एयरवे फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम रिलेटेड एक प्रश्न है जो आपको एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले तो आपने यहां बताना है मेंटेन द एयरवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, भाई अगर लंबे समय के लिए एयरवे मेंटेन करना है, ध्यान से सुनना कि अगर लंबे समय के लिए एयरवे, जैसे ममता बोल रही है ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए, सीक्रेशंस वगैरह को रिमूव करने के लिए, हाँ वो एकदम करेक्ट है,
लेकिन ऑलवेज अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी, मान लीजिए एग्जामिनर आपको कहे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस बिहाइंड इंसर्शन ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, कि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट को क्या मेंटेन किया जा सके, एयर वे मेंटेन किया जा सके। अब यहां से एक तो एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछता है कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, WHO की एक गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन में ऐसा कहा गया है कि किसी भी पेशेंट को अगर 21 दिन से ज्यादा आर्टिफिशियल एयर वे मेंटेन किया जाना चाहिए तो फिर और कोई मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहां ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने यहां पर कह तो दिया है लॉन्ग टाइम, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो समय यहां आपको स्पेशलाइज बताया गया है वो आपने यहां पर कहना है मोर देन 21 डेज। 21 दिन से ज्यादा अगर आर्टिफिशियल एयर में मेंटेन करना है तो फिर कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म किया जाना चाहिए। और ये जो गाइडलाइन स्पेशलाइज्ड दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है बेटा, WHO के द्वारा इस गाइडलाइन को परफॉर्म किया गया है, या WHO के द्वारा इस गाइडलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दे करके चलना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां बताना है कि इमरजेंसी कंडीशंस में, ध्यान से सुन लेना, इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए और आर्टिफिशियल एयर वे मेंटेन करने के लिए भी ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म किया जा सकता है। ये तो प्रॉपर गाइडलाइन है, ध्यान से सुन लेना, ये तो प्रॉपर गाइडलाइन है कि अगर पेशेंट को 21 दिन से ज्यादा आर्टिफिशियल एयर वे मेंटेन करना है तो ट्रैकियोस्टोमी ही करेंगे। लेकिन दूसरा जो इसका पर्पस आपने यहां पर बताया तो आप कह सकते हैं मेंटेन एयर वे, लेकिन कौन सी कंडीशन में, इमरजेंसी एयर वे इन इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी कंडीशन में मान लीजिए किसी भी पेशेंट को अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अपर एयर वे में कोई फॉरेन बॉडी आ गई, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी क्रिएट हो गई है। और इमरजेंसी अगर क्रिएट हो गई है तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि 21 दिन चलेगा, 22 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, लेकिन वहां पर जब अपर एयर वे में ही रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको पता है भाई ट्रैकिया तक एयर कहां से आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपर एयर वे ब्लॉक हो जाने की स्थिति में भी हम लोग जिसे क्या बोल रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन में भी एयर वे मेंटेन करने के लिए ट्रैकिया को ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा इसी को आप दूसरे तरीके से यहां लिख सकते हो, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑक्सीजन इनहेलेशन इन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी यही है कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन करना हो और कोई तरीका आपको उपयोग नहीं आ रहा है तो हम लोग इसी तरीके को यूज करते हैं। यहां तक आप बताएं। अब चलिए ये तो जनरल पॉइंट हो गए, इसके अलावा आप यहां पर और बोल सकते हैं जैसे एयर वे में सीक्रेशंस अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हो रिमूव द सीक्रेशंस। भाई सीक्रेशंस जो अगर एयर वे में आ रहे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर सुन लीजिएगा, अब ये तो सारे के सारे जनरल पॉइंट है, लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ध्यान से सुन लेना, अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, कि ट्रैकियोस्टोमी जो आपने लगाई है या ट्रैकियोस्टोमी जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसको परफॉर्म करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, भाई एडवांटेज की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर एग्जामिनर आपको यहां पर इस प्रश्न को पूछता है और एग्जामिनर कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, सबसे मुख्य फायदा क्या है, और ये प्रश्न के रूप में आपको पूछा जा सकता है,
तो यहां पर ध्यान दे लीजिएगा कि जो डेड स्पेस है उस डेड स्पेस को कम करने का काम ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कर रही है। तो यहां पर आपने बताना है रिड्यूस दी डेड स्पेस, जो डेड स्पेस है मतलब जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है उस स्पेस को कम करने का काम कर रही है और आर्टिफिशियली एयरवे को क्या कर रही है, मेंटेन करने का काम कर रही है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रश्न के रूप में आपको पूछा जा सकता है, सारे प्रश्न लिखना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको वो स्पेशलाइज पॉइंट बता दिया है क्योंकि 21 दिन से ज्यादा ठीक है करते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन आर यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, तब भी क्या आप इसी का नाम लोगे क्या? चलो मैं इसी को प्रश्न के रूप में पूछ लेता हूं। मान लो आपको यहां पर कहा जाए कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन इज यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहां पर क्या आप ट्रैकियोस्टॉमी बोलोगे या कुछ और बोलोगे? आंसर दो, बताओ। अगर आपको कहा जा रहा है कि लॉन्ग टाइम या सॉरी हम यहां पर कह रहे हैं कि लंबे समय के लिए अगर किसी भी मरीज को आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करना है तो आप मुझे बताओ क्या ट्रैकियोस्टॉमी सही या उचित उपाय है क्या? जवाब आने दो, जवाब दो। हंसराज गुड इवनिंग बेटा, सोफिया गुड इवनिंग बेटा, मुकेश गुड इवनिंग, हां बोलो बताओ। आंसर देकर के मुझे बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टाइम, हमने यहां पे कहा ना मोर देन 21 डेज या हमने कहा, तो आप मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में, क्या आंसर करोगे बेटा बोलो फरमाओ। ट्रैकियोस्टॉमी आंसर आना चाहिए। अरे भाई बात सुनना, यहां पर अगर लिखा हुआ है ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर यहां पर लिखा हुआ है नेजल कैनुला तो पहली प्रायोरिटी यही आएगा, ये तो आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करने का तरीका है और इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन देने का तरीका है। लॉन्ग टाइम तो एयरवे है, ऑक्सीजन डिलीवर करने का नहीं है कि मेथड थोड़ी है। तो स्पेशलाइज पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर यहां पे लिखता कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मेंटेन द आर्टिफिशियल एयर वे फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब ट्रैकियोस्टॉमी नाम आता। यहां पर कह रहे ऑक्सीजन इनहेलेशन का मेथड और मेथड स्पेशलाइज ट्रैकियोस्टॉमी नहीं है, क्या इसको यूज करोगे रेगुलर? नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी नेजल कैनूला को देना, ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को लेकिन पढ़ते ही नहीं हो भाई, ये आप लोगों का सबसे बड़ा ये ऑनलाइन का ड्रॉबैक है, मैं आपको बता दूं। आप कहते हो ना कि सर ऑनलाइन में क्या, मैं कह रहा हूं हम तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन आप कहते हो कि आपके पास तो ठीक है क्लासेज है पढ़े हुए हैं, जब इच्छा होगी तब पढ़ लेंगे। पढ़ करके देखो, मैंने जब ऑक्सीजन इनहेलेशन पढ़ाया है ना उसमें आपको पढ़ाया इसके बारे में कि लॉन्ग टाइम जहां ऑक्सीजन इनहेलेशन की बारी आए तो नेजल कैनूला बताना और आर्टिफिशियल एयरवे के बारे में पूछे लॉन्ग टाइम तब आप ट्रैकियोस्टॉमी बोलना। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड एयरवे मेंटेन जो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो तो सही। हाँ तो यहां तक ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है और वैसा ही जवाब दे दीजिएगा। चलो खैर यहां तक आप बताएं, इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा इंडिकेशंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी ऐसी पेशेंट की कंडीशन है जहां पर हम लोग ट्रेकिया को आर्टिफिशियली ओपन करते हैं भाई, कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर बताना है कि लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन
या बोल सकते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे पहले आप बताइएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या आप यहां बोल सकते हो लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान से सुनना, आपने यहां पर बताना है अपर एयरवे। अगर अपर एयरवे ब्लॉक हो गया है तब तो इमरजेंसी में हमारे पास कोई चारा ही नहीं है भैया, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी स्थिति में जब अपर एयरवे ब्लॉक हो जाता है या लैरिंग्स में ब्लॉकेज आ जाता है तब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में ऑप्शन मात्र ट्रैकियोस्टॉमी ही बचता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ जैसे ममता ने यहां पे कहा स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी आप कह सकते हैं, फ्रेनिक नर्व इंजरी भी यहां पर बोल सकते हो। तो आपने बताना है कि भाई स्पाइनल एंड फ्रेनिक नर्व रिलेटेड अगर इंजरी है तो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और बताओ बेटा, शाबाश बोलो। देखो बेटा यहां का ध्यान से सुनना कि हमने कहा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लारिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, या आप कह सकते हो हेड माउथ रिलेटेड कोई सर्जरी, ब्रेन रिलेटेड कोई सर्जरी आप कर रहे हैं, भाई हेड रिलेटेड कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हेड की कोई सर्जरी, माउथ की कोई सीवियर सर्जरी हो रही है, कोई ब्रेन रिलेटेड सर्जरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग जनरल मेथड यूज ना करके फिर हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहां पर एयरवे को मेंटेन करने का, तो हम लोग ट्रैकियोस्टॉमी को यहां पर मेंटेन कर रहे हैं। बात समझ में आती है? पैरालाइसिस रेस्पिरेटरी मसल, वेरी गुड। तो देखो बेटा यहां तक आप बता सकते हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया में भी, हाँ वेरी गुड सोफिया बेटा। अब देखो यहां तक आपने बताया, इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट भाई डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में आपको पता है लैरिंक्स के चारों तरफ एक सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, और ऐसी स्थिति में अपर एयरवे ब्लॉक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो आपने सीधा बताना भाई डिप्थीरिया जहां पर आप देखते हो कि सूडो जो मेम्ब्रेन होती है वो जनरली यहां पर डेवलप हो जाती है किसके चारों तरफ बेटा, लैरिंक्स के चारों तरफ। भाई लैरिंग्स मान लीजिए है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन ही बन जाती है, और मेम्ब्रेन बन जाती है तो अपर एयर में अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक हो जाएगा। और जब अपर एयर में ब्लॉक, तो हमने सीधा सीधा कह दिया है भाई ये तो अलग अलग कंडीशंस डाल दी गई है। मैंने आपको वन वर्ड सिंगल वर्ड में ये बता दिया है कि जब अपर एयर में ब्लॉक है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ऑप्शन बनता है एयरवे को ओपन रखने का, मेंटेन रखने का, और वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जहां ट्रैकिया को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है जिसे हम कह सकते हैं स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे ये स्ट्राइडर रेस्पिरेशन क्या है, ध्यान से सुनना भाई, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन इज आल्सो इंडिकेशन टू मेंटेन दी ट्रैकियोस्टॉमी, कि ट्रैकियोस्टॉमी को ओपन करने के लिए ट्रैकियोस्टॉमी को परफॉर्म करने का। और एक स्पेशलाइज्ड इंडिकेशन और है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, क्या होता है बताओ, नेजल सर्जरी, ठीक है वेरी गुड। हाँ सारी आ गई इसमें, मैंने क्या कहा जो भी नेक से ऊपर की सर्जरीज है वो सारी सर्जरी में ट्रैकियोस्टॉमी आपने परफॉर्म करनी पड़ेगी। चलो हम अब बताओ स्ट्राइडर रेस्पिरेशन क्या है भाई, ये स्ट्राइडर जो रेस्पिरेशन आप बता रहे हो क्या मतलब है इसका। अब एग्जामिनर यहां पर आपको बोल सकता है जैसे स्ट्राइडर रेस्पिरेशन है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन बेटा आप लोग बोल रहे हैं, इन स्ट्राइडर रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब क्या है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं।
कि यहां पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं किसके बारे में, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे आपके पीजीआई रोहतक में आया हुआ है कि वो रेस्पिरेशन कौन सा है जिसे इमरजेंसी रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो यही वो रेस्पिरेशन है जो इमरजेंसी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और इमरजेंसी क्यों? क्योंकि स्ट्राइडर रेस्पिरेशन तब फील होता है जब अपर एयरवे ब्लॉक हो जाता है, जहां पर क्रो लाइक साउंड रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनना, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन जिसे आप कह सकते हो आल्सो नोन एज इमरजेंसी, ये एक तो आपके रोहतक पीजीआई में इस नाम से ही प्रश्न आया हुआ है कि वो कौन सा रेस्पिरेशन है जिसे कि हम लोग बोलते हैं। तो आपने यहां पर बताया है चाइल्डहुड डिजीज भी हो सकती है, लेकिन स्पेशलाइज जो पॉइंट है इमरजेंसी रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और क्यों? तो सीधा सीधा आपने बताना है ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आने वाला रेस्पिरेशन है जिसे हम स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब ये है क्या? तो सीधा सीधा आपने यहां बताना है क्रो लाइक साउंड भी, जैसे डीएसएसबी में आया हुआ है होर्सनेस साउंड रेस्पिरेशन, तो ये होर्सनेस साउंड रेस्पिरेशन भी कहला रहा है, क्रो लाइक साउंड रेस्पिरेशन भी कहला रहा है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो आपने यहां पर सीधा सीधा बताना है कि अपर एयरवे ब्लॉक होने की स्थिति में ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, इससे रिलेटेड पहले मैं एक प्रश्न जरूर लिखना चाहूंगा। एग्जामिनर कई बार कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नर्सिंग, एक ध्यान दें कि यहां पर हम कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन ए क्लाइंट हैव स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। क्यों कह रहे हैं कि स्ट्राइडर रेस्पिरेशन अगर किसी भी पेशेंट को है तो उसका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मैनेजमेंट? तो यहां ध्यान दे लेना, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट है परफॉर्म ट्रेकियोस्टॉमी। अब ध्यान से सुन लेना क्या पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है रट करके हाँ हाई पिच साउंड भी बोल रहे हैं सोफिया, अपर एयरवे नैरोइंग के कारण आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन यहां ध्यान से सुने, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन ए क्लाइंट हैव स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, तो यहां पर कह रहे हैं क्या इलाज हो सकता है। तो इलाज तो यही है कि ट्रेक्योस्टॉमी परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको यहां पर कहता है, सुनना, एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहा हूं, मान लीजिए एक इस तरीके से है तब तो ये बताओ, और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या बोल रहे हैं बेटा, सुनना, यहां पर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए क्लाइंट हैव स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, कि जब एक मरीज को स्ट्राइडर रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्राथमिकता के आधार पर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। वो कहेगा ट्रेक्योस्टॉमी, तो ट्रेक्योस्टॉमी क्या नर्स करती है, इसका मतलब यहां ये नहीं होगा। लेकिन जब आप एज ए इमरजेंसी नर्स के रूप में कैजुअल्टी में काम करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आपने वहां बोलना है अरेंज
आर्टिकल फोर ट्रेकियोस्टोम, तब आपका आंसर ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ना तो पोजीशन बोलनी है, ना ऑक्सीजन इनहेलेशन बोलना है, क्योंकि अपर एयरवे ब्लॉक तो ऑक्सीजन इनहेलेशन का कोई फायदा नहीं होगा, पोजीशन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर तो पोजीशन भी लिखेगा, ऑक्सीजन इनहेलेशन भी लिखेगा, ट्रैकियोस्टॉमी भी लिखेगा, बोलेगा डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, सब कुछ लिखेगा। लेकिन यहां सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हाउ कैन यू हैंडल द इमरजेंसी, और इमरजेंसी कंडीशन में आप आर्टिकल्स अरेंज करोगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, और डॉक्टर आकर के क्या परफॉर्म करेगा, ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करेगा। तो आप अंतर सोचो कि आपको किस तरीके से एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से या अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। तो यहां तक आप बताइएगा, स्पेशलाइज पॉइंट है। अब इसी को मान लो और दूसरे तरीके से पूछा जाए, एग्जामिनर आपको कहे अरेंज दी करेक्ट सीक्वेंस। मैं कह रहा हूं ना, एक ही प्रश्न बहुत तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। आप कहते हो आते कहां से, आते यहीं से। यहां मेन चीज है कि प्रश्न का बनाना आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा कि अरेंज दी करेक्ट सीक्वेंस, भाई यहां लिख दिया अरेंज दी करेक्ट सीक्वेंस बाय नर्स व्हेन ए क्लाइंट हैव केम आफ्टर स्ट्राइडर रेस्पिरेशन इन कैजुअलिटी, कि इमरजेंसी में आपके पास एक मरीज जिसको स्ट्राइडर रेस्पिरेशन आ रहा है, तो बताओ नर्स की प्राथमिकताओं को सही क्रम में लगाइए, पहले आर्टिकल, दूसरा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, फिर उसको डॉक्टर को परफॉर्म करने में मदद करना। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक आप बता सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशलाइज पॉइंट्स के बारे में, और हम यहां पर कह रहे हैं कि ट्रैकियोस्टोमी जो आप किसी भी पेशेंट को परफॉर्म करेंगे, क्या बोल रहे हो, स्ट्राइडर मींस कैसे, स्ट्राइडर मींस कैसे का मतलब सही बोलो हंसराज, साउंड क्रो लाइक साउंड आती है, हॉर्सनेस साउंड आती है, अपर एयरवे ब्लॉक होता है, हाई पिच बहुत तेजी से आती है। तो ये अपर एयरवे ब्लॉक होने की वजह से हॉर्सनेस साउंड क्रो लाइक साउंड आती है, कब, जब मरीज पहली बार आपके पास आ रहा है। जो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाओ, एज इट इज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एनी हाउ का कोई टेंशन ही नहीं है, एनी हाउ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैंने कहा यहाँ क्रो लाइक भी बोलते हैं, हॉर्सनेस साउंड भी बोला जाता है, हाई पिच साउंड भी बोला जाता है, ये सारे अलग अलग नाम है। इस तरीके की साउंड को स्ट्राइडर बोलते हैं, और स्ट्राइडर अपर एरिया में ब्लॉक होने के कारण आती है। अब यहां तक आपने बताया, लेकिन इसी चीज को मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कहता है, वो कहता सुन लेना, अब इसी चीज को तुमने रट लिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको कहा कि व्हाट इज दी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वेन स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन ऑब्जर्व पोस्ट, ये लो। अब तुमने रट लिया कि भाई मैं तो जब भी आएगा आर्टिकल से कलेक्ट करूंगा। अब बात सुन लेना, यहां बहुत से स्पेशलाइज पॉइंट है कि जब ट्रैकियोस्टॉमी कर दी उसके बाद भी कौन सी साउंड आ रही है, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन आ रहा है। भाई अगर हमने ट्रैकियोस्टॉमी नहीं की तो भी स्ट्राइडर था, अपर एयर में ब्लॉक हो गया। अब आप कह रहे हो कि हमने ट्रैकियोस्टॉमी भी कर दी है और ट्रैकियोस्टॉमी करने के बाद भी स्ट्राइडर रेस्पिरेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि सीक्रेशंस बहुत ज्यादा अपर एयरवे में आ रहे हैं, सीक्रेशंस आपके एयरवे में आने लग गए हैं, और सीक्रेशंस आने लग गए हैं तो फिर सक्शनिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। अंतर समझो कि पहले की स्थिति अलग थी और ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करने के बाद की स्थिति अलग है। तो यहां पर आप दोनों चीजों को समझ लें कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा परफॉर्म सक्शनिंग, कि हम पेशेंट को क्या परफॉर्म करेंगे, सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। अरे भैया मैं कह रहा हूं ना, हर लाइन में प्रश्न है, एग्जामिनर ये भी कह सकता है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए नर्स आर गोइंग फॉर दी सक्शनिंग, तो उससे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है, 100% पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है,
क्योंकि जब आप सक्शन करते हो तो भी तो ऑक्सीजन सक होती है। बहुत से पॉइंट है, आने दो, जैसे जैसे आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, अन्यथा एक लाइन में 20 क्वेश्चन में आपको अभी खड़े खड़े बता दूंगा, तो आप वहां पर फिर डाइवर्जन हो जाएगा आपका। इसलिए सिर्फ आप ये समझो कि हम लोग ट्रैकियोस्टॉमी जो कर रहे हैं वो क्या होती है। तो मैंने कह दिया कि भाई ट्रैकिया को आर्टिफिशियल ओपन करेंगे, क्यों करेंगे, जिससे कि इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगा सके, सीक्रेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उनको सक्शन कर सके। आर्टिफिशियल एयर वे इमरजेंसी में या 21 दिन से ज्यादा आर्टिफिशियल एयर वे को हम मेंटेन कर सके। दीज आर दी बेसिक पर्पस जो कि हम ट्रैकियोस्टॉमी के लिए बताते हैं। इंडिकेशंस में मैंने आपको यहां पर कहा कि पेशेंट को अपर एयर वे ब्लॉक हो गया है, लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लैरिंजियल इंजरी हो गई है, इन सभी स्थिति के अंदर या कोई भी हेडविर रिलेटेड सर्जरी है, नेजल सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, ओरल सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, इन सभी केसेस में हमें ट्रैकियोस्टॉमी को परफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। चलो खैर यहां तक ध्यान दें, ये मैंने 3-4-5 एग्जांपल या प्रश्न लेकर के आपको बताया, बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुने। तो यहां तक आप बताए, अब जैसे आपने सक्शनिंग कहा, यही चीज अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ पूछी जाती कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जब रिमूव कर दी और उसके बाद भी स्ट्रैंडर आ रही है तो वो नॉर्मल होती है, तो बहुत से तरीके हैं, मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को ये सभी कुछ बताऊंगा कि क्यों नॉर्मल है, क्यों एबनॉर्मल है, सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। चलो खैर यहां तक ध्यान दें, इसके अलावा इंडिकेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग इंडिकेशन पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो इंडिकेशन में आप बता सकते हैं जैसे लैरिंजियल नर्व इंजरी। लैरिंजियल नर्व अगर इंजरी है तो भी ऐसी स्थिति में हमें वहां पर ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब सुन लो बेटा ध्यान से कि लैरिंजियल नर्व इंजरी की कंडीशंस में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। अब यहां से आपको एग्जामिनर एक प्रश्न और पूछता है, वो सुन लें, व्हाट इज द आर्टिकल शुड बी अरेंज बाय नर्स पोस्ट सर्जरी ऑफ ये लोग, तुमको ये पता ही नहीं चलता कि प्रश्न कहां से आते हैं, जैसे ही थायराइड का नाम सुना फटाफट बोलोगे अरे ये प्रश्न तो वहां से आया है। अरे ये सोचो तो सही टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। यहां पर ध्यान से सुन लो, यहां पर कह रहे हैं कि एक पेशेंट सुनना जिसको कि कौन सी सर्जरी थायराइडेक्टॉमी हुई है और थायराइडेक्टॉमी हुई है तो ऐसी स्थिति में लैरिंजियल नर्व इंजरी के चांसेस 99% होते हैं, और ऐसी स्थिति में जिस भी पेशेंट को थायराइडेक्टॉमी हुई है तो उसकी सर्जरी के बाद में आपने वहां पर अरेंज करके रखना पड़ेगा ट्रैकियोस्टॉमी सेट, ट्रैकियोस्टॉमी पूरा ट्रे और ट्रैकियोस्टॉमी सेट अरेंज करके रखना पड़ेगा जिससे कि इमरजेंसी को हैंडल किया जा सके। बात समझ में आ रही है कि भाई प्रश्न तो इसी तरीके से एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है सीधा सीधा पूछेगा, एग्जामिनर हमेशा सब्जेक्ट को कंबाइंड करके पूछता है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम पार्ट फंडामेंटल बेस आता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट या जो नर्स हॉस्पिटल में आकर के काम करे उसको बेसिक नॉलेज है भी या नहीं है। तो यहां तक आप बता सकते हैं, बात समझ में आ रही है, अरे आया ना तो जवाब दे दो, जवाब तो बताओ। तो यहां तक बताओ कि थायराइडेक्टॉमी जो आप यहां कर रहे हैं उसके बाद में आप ये बताओ, क्योंकि यहां पर जो रिस्क होती है वो किसकी होती है बेटा, लैरिंजियल नर्व इंजरी। और मैंने यहां पहले ही लिख दिया था कि लैरिंजियल अगर नर्व इंजरी है तो भी ट्रैकियोस्टॉमी परफॉर्म करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है, तो यहां तक आप ध्यान दो। चलिए यहां भी आपने बताया, अब इसके साथ साथ आगे आप ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट, यहां तक हम लोगों ने कहा। चलो इसी के अलावा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि एक बच्चा है, ध्यान से सुनना, कि एक बच्चा जिसकी उम्र है 2 साल, ध्यान से सुनना, एक बच्चा जिसकी उम्र है 2 साल और उस 2 साल के बच्चे ने पी लिया है टॉयलेट एसिड,
तो ऐसी स्थिति में बताओ उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप किस प्रायोरिटी पर फोकस करोगे? व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट व्हेन ए टू ईयर एज चाइल्ड केम इन कैजुअलिटी आफ्टर सोलो द एसिड, कि उस 6-2 वर्ष के बच्चे ने क्या पी लिया है? एसिड पी लिया है, और एसिड अगर पी लिया है तो बताओ उसका क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होगा? तो ध्यान से सुनना, अगर 2 ईयर एज चाइल्ड है, अगर 2 साल का बच्चा है, हम यहां पे ये सारे के सारे इंडिकेशंस की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे ये प्रश्न जो है आपके DSSB के अंदर आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं ना, हर लाइन में ही क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस ही आपको समझ में आने चाहिए, अन्यथा तो थ्योरी तो पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशलाइज जो मैं आपको क्वेश्चनरीज बताता हूं वो कोई नहीं बताएगा। तो यहां ध्यान से सुनना कि यहां कह रहे 2 साल का बच्चा, और इस 2 साल के बच्चे ने क्या कह लिया है? एसिड सोलो कर लिया है। अब एसिड सोलो कर लिया इसका मतलब है 99% रिस्क ऑफ बर्न दी लैरिंग, कि 99% चांसेज हैं कि इस बच्चे में लैरिंग्स क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ध्यान से सुन लो, इस बच्चे में लैरिंग्स जल जाएगी, और अगर लैरिंग्स जल जाएगी, लैरिंग्स बर्न हो जाएगी, तो मैंने पहले ही कहा कि लैरिंजियल इंजरी है, लैरिंजियल नर्व इंजरी है, लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फेशियल पेशेंट जो है उसको फेशियल बर्न है तो भी हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं। तो कहने का बेसिक मकसद है कि लैरिंग्स जो है वो बर्न होगी, तो अल्टीमेट मैनेजमेंट तो फिर वहां पर प्रायोरिटी ईयर में मेंटेन करना ही तो होता है, और प्रायोरिटी ईयर में फिर हम लोग यहां क्या परफॉर्म करेंगे? ट्रेकोस्टॉमी परफॉर्म करेंगे। भाई इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट आता है तो सबसे पहले ईयर में ही तो मेंटेन करते हो। तो कहने का बेसिक मतलब है कि आपको इमरजेंसी हैंडलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपके जो नर्स है उन्होंने ट्रॉमा की नई यूनिट बनाई है, और ट्रॉमा की नई यूनिट बनाई है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, CPR, इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी हैंडलिंग, ये सारे के सारे प्रश्न आपको 101% एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज और बता दूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के एग्जाम फॉर्म भरते हो तो पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि वो डिमांड किस लिए निकाल रहे हैं। अब आप कहोगे डिमांड का पता नहीं चलता, अरे आपका कोई ना कोई तो दोस्त फ्रेंड कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा यार, फॉर एग्जांपल भर्ती आई कहीं होगी, यार क्यों मांग रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या एक्सपेंशन किया है? सर उन्होंने बच्चों की कोई यूनिट बनाई है, सर उन्होंने तो कोई इमरजेंसी ट्रॉमा की यूनिट बनाई है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चनरी ज्यादा पूछी जाती है, अन्यथा फिर फंडामेंटल रिलेटेड आपको पूछे जाना है। जैसे अभी BSF है तो वहां पर फिर OBG, जो BSF का जिन्होंने फॉर्म भरा है OBG पूछी जाएगी, कोई फंडामेंटल तो सब जगह आने वाली है, लेकिन अलग अलग एग्जाम के व्यू से भी एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। चलो तो देखो यहां तक आप बताएं, ये सारे के सारे इंडिकेशंस हैं जो हम लोग यहां पर बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो देखो यहां तक आप ध्यान दें, आज तो इतना ही पता पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो ट्रैकोस्टोमी है उसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। क्लासिफिकेशन जो आप बताओगे, अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं भाई, क्लासिफिकेशन जो होता है वो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इमरजेंसी में कौन सा होगा, रूटीन क्लासिफिकेशन कौन सा है, हाई ट्रैकोस्टोमी क्या है, लो ट्रैकोस्टोमी क्या है, शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, ये बहुत से प्रश्न है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, 8:30 बजे मेरी क्लासेज है, जो आज कुछ और आपको उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो यूट्यूब पर लाइव है, आप सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं। आज आपकी क्लास में स्टूडेंट भी कम है, 15-20 बच्चे जरूर नजर आ रहे हैं मुझे मुश्किल से, तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, रेगुलर क्लास को प्रॉपर रूप से अटेंड करें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।